हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 7 विषय विज्ञान की खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दी है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अर्थात विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर शाला का नाम अर्थात स्कूल का नाम, और यहाँ पर आपको अपनी कक्षा का नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो वर्कशीट विभाजित की गई है, दो खंडों में विभाजित की गई है। पूर्णांक वर्कशीट आपकी 50 अंक की है, खंड आ यहाँ पर 30 अंक की वर्कशीट है, और खंड बा यहाँ पर प्रोजेक्ट कार 20 अंक का है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। यहाँ पर खंड आ है तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 8 तक। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुँचती हैं। तो कितने मिनट में पहुँचती हैं, 8 मिनट में पहुँचती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, 8 मिनट। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिखते जाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, देशांतर रेखा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, परिक्रमण लिखना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, भोजन की तलाश में। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, भोजन की तलाश में, अर्थात ए नंबर के ऑप्शन को यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे। तो कौन थे, अश्वघोष थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर में आपको इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी अर्थात अश्वघोष लिखना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर क्या हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकारें होती हैं या सरकार होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, केंद्र सरकार लिखना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है, ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए या कितने वर्ष होना आवश्यक है। तो कितने वर्ष होना आवश्यक होता है, 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, 18 वर्ष लिखना है। तो यह आपके प्रश्नांक 7 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 8। तो यहाँ पर प्रश्नांक 8 है, सुनामी से किस क्षेत्र में अधिक नुकसान होता है। तो यहाँ पर आंसर में आपको ए नंबर का ऑप्शन लिखना है, अर्थात समुद्र तटीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है समुद्र तटीय और यहाँ पर आपको क्षेत्र लिखना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 8 का आंसर हो जाएगा समुद्र तटीय क्षेत्र। इसके बाद यहाँ पर आपको लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नांक 9 से लेकर प्रश्नांक 13 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का है, इसलिए आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 9 है, घूर्णन और परिक्रमण गति में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप अंतर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 9 का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 है, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या भिन्नता है। तो इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए पाठन सामग्री को कहते हैं, जबकि यहाँ पर पत्थर पर खोदा गया लेख को शिलालेख कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 10 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 11 का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 12। तो यहाँ पर प्रश्नांक 12 है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि विविधता हमारे जीवन को अनेक तरह से समृद्ध करती है, कई रंग आ जाते हैं, हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं, विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख लेते हैं, यदि विविधता नहीं होती तो जीवन यहाँ पर उबाऊ हो जाता। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 13। तो यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, आपके गांव या शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इस प्रश्न के आंसर को आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, आपके गांव या शहर में जो भी स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधाएं हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा, हमारे यहाँ अस्पताल बन रही है और हमारे यहाँ रोज़ नाली साफ़ होती हैं, इसके बाद हमारे यहाँ शुद्ध यहाँ पर नल मिलता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नांक 14 से लेकर प्रश्नांक 16 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 14 है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 15 है, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई लिखिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अपनी वर्कशीट में इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 16, लोकतंत्र और राजतंत्रीय सरकार में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 16 का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है और इसी तरह आपको चैनल के माध्यम से और अन्य सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।